सो गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर अपन लोग उज्जवल भाई को एक्सपोज करने वाले हैं। मतलब कि भाई मजाक नहीं कर रहा, सच में करने वाले हैं। यार हमें से काफी लोग सोच रहे होंगे भाई उज्जवल भाई ने ऐसा क्या कर दिया कि भाई मैं उन्हें एक्सपोज करने वाला हूँ। सो देखो गाइस, कल उज्जवल भाई ने जो माइनक्राफ्ट वाली वीडियो अपलोड करी उसके अंदर गाइस उज्जवल भाई ने क्रिएटिव मोड का यूज किया। अब गाइस जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं भाई उन्हें तो क्रिएटिव मोड के बारे में पता ही होगा। जिन लोगों को नहीं पता था, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ गाइस, आप इसे एक हैक कह सकते हो। मतलब उज्जवल भाई ने हैक करा है। और यार मेरा भी ध्यान इस चीज पर गया नहीं था क्योंकि भाई मैं माइनक्राफ्ट ज्यादा खेलता नहीं, मुझे बारे में इतना नहीं पता था। पर यार मैं उस वीडियो कमेंट्स रीड कर रहा था भाई, लगभग सभी को पता चल गया था, काफी लोगों ने ये कमेंट्स कर रखे हैं। तो यार मैं आपको सीन बता दूं एक्चुअली हुआ क्या। गाइस कल वाली वीडियो के अंदर उज्जवल भाई जो म्यूजियम बनाना चाहते थे और भाई इसीलिए उन्हें चाहिए थे कोड ब्लॉक जो कि भाई मिलते अपने को नेदर में। अब यहां पर जो गाइस आपको सारी चीज स्टेप बाय स्टेप समझनी पड़ेगी। तो गाइस सबसे पहले जब वो नेदर में जाते हैं तो भाई सबसे पहले अपने सभी टूल्स की जो एक्सपी उसे फुल कर लेते हैं। स्क्वाड्स लेने से पहले जाने वाला हूं मैं अपने गोल्ड फार्म पे अपनी एक्सपी बढ़ाने के लिए। और मेन काम एक्सपी बढ़ाना नहीं है, मेन काम है अपनी इस पिकेक्स को रिपेयर करना। एक बार उसकी हेल्थ देखो भाई, टूटने वाली है। और क्वार्ट्स ब्लॉक मतलब कलेक्ट करने के लिए मेरे को उसकी एचपी एटलीस्ट हाफ तो चाहिए यार, बहुत सारे क्वार्ट्स ब्लॉक लेने होंगे। चलो गाइस अभी मेरे सारे के सारे टूल्स एंड आर्मर रिफ्रेश हो गए हैं, सबकी एचपी। इस वाले फ्रेम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई उज्जवल भाई के सभी टूल्स, सभी जो आर्मर है उनकी जो एक्सपी कितनी कितनी है, मतलब ऑलमोस्ट यार सभी की फुल है। यार सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इसका भाई अब ध्यान रखना एंड तक, तभी यार आपको सारी चीज आखिर में समझ में आएगी। एकदम फुल हो चुकी है, अब फटाफट से मुझे जाना होगा ढेर सारे नेदर क्वार्ट्स इकट्ठे करने के लिए। अब यहाँ पर आप उज्जवल भाई की लेवल देखो जो कि है 101 भाई, इसको भी याद रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद गाइस उज्जवल भाई जो कोड ब्लॉक इकट्ठे करने चले जाते हैं। मेरे को ये चारों शल्कर बॉक्स आप देख पा रहे हो ना, चारों तो नहीं बट तीनों शल्कर पूरे के पूरे भरने हैं समझ लो क्वार्ट्स ब्लॉक से। गाइस अगर मेरे पास भैंस की मारा किसने इधर निकलता है ये लगी कलेश कर रहा। हाँ तो गाइस मेरे पास अगर फॉर्च्यून लगा होता ना पिकैक्स में तो ये डबल या ट्रिपल कलेक्ट होते, बट अभी ये सिंगल सिंगल कलेक्ट हो रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ अपनी पिकैक्स में ना फॉर्च्यून की एंचेंटमेंट लगा के आता हूँ ताकि जल्दी से जल्दी क्वार्ट्स इकट्ठे कर पाऊँ। ओके तो ये रखा मैंने अपनी पिकैक्स को और ये डाला फॉर्च्यून और एक मार। आप क्लियरली देख सकते हो जो उज्जवल भाई की जो लेवल है वो हो चुकी है अब 88, यानी कि भाई उन्होंने फॉर्च्यून 3 वाली बुक लगाई है। इस कारण जो भाई उनके लेवल है वो थोड़ी कम हो चुकी है। पर देखो गाइस अब तक यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही है। इसके बाद गाइस उज्जवल भाई फिर से जाते हैं नेदर में और क्वार्ट्ज ब्लॉक जो है वो माइन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो भाई साहब कितने सारे क्वार्ट्ज एक ही बार में इकट्ठे होंगे, मेरे पास 31 थे एंड अभी मैंने इसे तोड़ना स्टार्ट करा है तो ये इकट्ठे हो चुके हैं सीधा 56। ठीक है यानी अब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मेरे को मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक। यार अभी आपने यहाँ पर देखा कि उज्जवल भाई ने यहाँ पर क्वार्ट्ज ब्लॉक करे और अभी तक भाई उन्होंने एक स्टैक से भी कम कोड माइन करे थे, फिर भी भाई उनकी जो एक्सपी कितनी स्पीड से बढ़ी। अगर आपने वो नोटिस नहीं करा तो भाई मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, प्लीज इस बार नोटिस करना कि जो एक्सपी कितनी स्पीड से बढ़ रही है। तो अब देखो भाई साहब कितने सारे क्वार्ट्स एक ही बार में इकट्ठे होंगे, मेरे पास 31 थे एंड अभी मैंने इसे तोड़ना स्टार्ट करा है तो ये इकट्ठे हो चुके हैं सीधा 56। ठीक है यानी अब डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मेरे को मिलने ही वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक ओवर से। गाइस अभी मैंने बहुत क्वार्ट्स इकट्ठा कर लिया और शायद इससे ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, पर अगर बाय चांस कम पड़ता भी है तो मैं दोबारा इकट्ठे करने आ जाऊंगा, लेकिन मुझे और बोर नहीं होना है, सच्ची में बहुत बोरिंग काम था। ठीक है फटाफट से अभी मैं काम करता हूं, इसके अंदर जितना और एक्स्ट्रा है वो सारा भर देता हूं। और अब फटाफट मेरे पास टोटल पता है 3 शल्कर हो चुके हैं, 1-2 रेड वाला एंड ये ग्रीन वाला, ब्लू वाला भी खाली है, उसमें ग्लास एंड थोड़ा बहुत मेरे को वुड वगैरह। सर अब यहां पर आप में से मैक्सिमम लोगों को पता चल गया होगा कि उज्जवल भाई ने कहां पर क्रिएटिव मोड का यूज करा है। जो लोग डेली माइनक्राफ्ट खेलते हैं मतलब थोड़ा बहुत भी खेलते हैं उन्हें पता चल गया होगा उज्जवल भाई ने यहां पर क्रिएटिव मोड का यूज करा है। फिर यहां पर जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं है कि भाई यहां पर क्या क्रिएटिव मोड का यूज हुआ, कुछ भी भाई सब कुछ नॉर्मली तो लग रहा है, तो देखो भाई मैं आपको चीज दिखाता हूं। उज्जवल भाई की जो गाइस यहां पर लेवल है वो है सिर्फ और सिर्फ 89, मतलब कि भाई कैसे, मतलब क्या उज्जवल भाई यहाँ पर 3 शल्कर बॉक्स भर के कोड्स माइन कर, और भाई अगर अपन इतनी माइनिंग करते हैं ना तो भाई 88 से 150 तक तो पहुंच जाना चाहिए था कम से कम। यार ये यहाँ पर पहुंचा सिर्फ 88 से 89। यार काफी लोगों के माइंड में डाउट आ रहा होगा कि यार हो सकता है उज्जवल भाई के टूल्स के ऊपर मेंडिंग लगी हुई है, जो सारी उन्होंने एक्सपी गेन करी है वो सारी उनके टूल्स पर गई। यार इसलिए भाई मैंने आपको स्टार्टिंग के सारे स्टेप दिखाए थे। उज्जवल भाई ने पहली यार अपने सारे टूल्स भाई फुल एचपी कर लिए थे, मतलब फुल हेल्थ कर लिए, क्या कहते हैं भाई फुल कर लिए थे भाई जो भी होना। फिर भी यार मैं आपको पहले की हेल्थ और भाई अब की हेल्थ दिखा देता हूँ, माइनिंग से पहले हेल्थ कितनी थी और अब की हेल्थ कितनी थी, भाई बिल्कुल सेम है एज इट। और इसी के साथ गाइस मैंने आपको दिखाया था जब उज्जवल भाई ने एक स्टैक कोड माइन करा था तो भाई जो उनके एक्सपी मिल रही है वो उनके लेवल में बढ़ रही है, वो दिख रही है, यानी कि भाई जो एक्सपी उनको मिल रही है वो माइनिंग में नहीं जा रही है, वो एक्सपी में ही जा रही है। यहां पर गाइस अगर उज्जवल भाई ने सच में भाई 3 शल्कर बॉक्स भर के कोड्स माइन करा रहता तो भाई उनकी जो एक्सपी है भाई कम से कम तो भाई 150 तो आराम से ही होनी चाहिए थी। यार उन्होंने सीधे क्रिएटिव मोड यूज कर भाई अपने 3 शल्कर बॉक्स भर लिए और भाई ऐसा ही उन्होंने यहाँ पर करा, साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। इससे ज्यादा
होता तो और मैं क्या कहूँ भाई, जो लोग दिन रात माइनक्राफ्ट खेलते हैं या फिर भाई थोड़ा बहुत भी टाइम पास के लिए खेलते हैं उन्हें तो यार सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो लोग सिर्फ थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह देखते हैं शायद से उन्हें समझ में ना आए। तो भाई यहाँ पर जो मैंने क्रिएटिव मोड यूज़ करा 100% यूज़ करा। बस गाइज आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप गाइज आपके लिए जो वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही है तो भाई इस वीडियो एक प्यारा सा लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जो शेयर करना इस अमेजिंग वीडियो को। और भाई अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लो, बेल आइकन देगा उसको भी यार यासल पर करो। और एक बार यार फिर से बता दे रहा हूँ कि उज्जवल भाई कोई हेटर वेटर नहीं हो भाई, तुम लोग कहीं पर पीछे पड़ जाओ, बस मैं बता रहा हूँ भाई क्या कुछ हुआ है यहाँ पर।